जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल जी? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अज का विलाग शुरू कर दा, दोस्तों दिखाना जी अज की सूरत हाल कबूतर की। एक कबूतर लकवा हो गया सी, वो भी तुम दिखाना माशाल्लाह ठीक। दूसरे नंबर पर जी कबूतरी के थले आंडे बदल के रखे वह भी दिखाना। उस तो बाद जोड़े मैं जोड़े नवे ला रहा वह दिखाना। बाकी मजीद तुम जिस तरह मैं कर रहा कबूतर का इलाज वगैरह वो सारा तुम शेयर कर दा। दोस्तों अगर रिक्वेस्ट है कि शाहदारी ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर लो, नाल ही बैल बटन क्लिक कर लो ताकि इस तरह की जी वीडियो मेरी तुहाडे तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, सब तो पहले मैं थले जाना जाके जरा कबूतर लकवा इलाज जो मैं किस तरह कर रहा वह लैके आना, उन्होंने लैदा रखे वो सारे कबूतर तो, और उन्होंने कि चीज़ दिना वह भी तुम दिखाता सारिया चीज़ा। और पहले सब तो थले जाना। जी दोस्तों है ड्राप कबूतर की अखा के वास्ते, ये लकवे झोले का इलाज, ए टीका, ए चाबी, ठीक हो गया। तो दोस्तों कबूतर तुम मैं दिखा रहा, देखो दराज झोले वाला कबूतर रखे हुआ डब्बे पा के, ठीक हो गया। एक तो लैदा रखे वा, दूसरे नंबर पर इस तरह जल्द ठीक होंदा, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। यदि जी पहले दिन की वीडियो तुम मैं भी नाल स्क्रीन ला के विखा देना वा, तुम वेख सकते हो उदो की कंडीशन थी, तो हूँ माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। हूँ इन सिर्फ अख का जरा थोड़ा जहा कबूतर ने मारिया वो रह गया वा, बाकी यदा लकवा झोला ठीक हो गया। जी दोस्तों यह देखो यदि अख एक साइड तो खराब आ, यह माशाल्लाह ठीक हो रही है ऐसा ऐसा, क्योंकि बाकी लकवा झोला तो बिल्कुल ठीक हो गया वा। हूँ गर्दन जी थोड़ी जी ने मोड़ी आ, वो इस वजह तो कि यदि अख खराब है, बाकी उस तरह माशाल्लाह अगे ना बहुत बेहतर हो गया। तकरीबन तीसरा चौथा दिन यहाँ मैं इलाज कर दे। देखो पहले दिन तो देख तुम मैं वीडियो विखाई है, पहले दिन तो बिल्कुल ही धोने की मूड़ी से थले लगी सी, बहुत बेहतर हो गया। तो दोस्तों सब तो पहले इनू थोड़ा जहा बाजरा खवाना, उस तो बाद फिर इनू जो ट्रीटमेंट सारी वो करांगा। जी दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह सुबह का टाइम कबूतरों का केज मैं खोलन लगा। तुम सब तो पहले जोड़े जोड़े दो तीन दिन हो गए जोड़े ला रहे नवे घर के ब्रीडर पट्ठिया पट्ठे जोड़े सके उन्होंने बच्चे जड़े उन्होंने जोड़ा ला रहे हैं। जी दोस्तों जोड़े कुछ इस तरह लाई दे के देखो इन्हों के मैं डब्बे पा के उत्ते कपड़ा पा दे उत्ते जोड़े लग जाते हैं। मैं तुम दिखाना ए तीन जोड़े लगते पे ने नवे, देखो दो दिन हो गए दिने भी इन्हों दाना पानी पा के इस तरह इकट्ठे कर दीता, तो रात में भी ठीक हो गया। तो इन दोस्तों इस तरह होंगी है कि अगर थोड़ा नर मादी जोड़ा तुम लाया बच्चे नहीं सीट आ रहा तो नर मादी चेंज कर दो। उन्हों का गल हों ता बैन की ता, जिन्हों का जोड़े का चंगा बैजे उन्होंने बच्चे चंगे उठ जाते। इस तो इन्हों के जोड़े मैं बदल बदल के चैक करता रहना कि किस ता जो बच्चे सही उठते फिर वो जोड़ा सैट कर दिए। दोस्तों माशाल्लाह तीन जोड़े है, एक है खट्टिया अखा का जोड़ा मोजी मादी है और मोज वो मादी जी झोले वाला तुम कबूतर विखाया लकवे वाला वो लगी सी, तो फिर लकवा हो गया इस करके फिर इन दोबारा होर नवे कबूतर लाता। यह भी पट्ठा पट्ठी है शाख है जनाब पीली अख तो काली अख का जोड़ा। तो उस तो बाद जनाब जी मैं कबूतरी के थले आंडे रखे, उन्हें आंडे खुद नहीं दिते वो थले मैं आंडे यानी कि होर कबूतर चाके दो आंडे रखते सके, तो माशाल्लाह वो अज छिवा सत्तवा दिन बैठी आंडे दे। देखो आंडे दिंदी सी पहले, ये मैं दो तीन दफा आंडे लगातार चके इस करके आंडे तो बंद हो गई सी। तो इनू मैं तजर्बे तौर यह कुलिया किया कि
ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਨਾ ਮਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਡੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਹਲੇ 6-7 ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜਰਾ ਲਿਆ ਵਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਰੀਡਰ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਵਾਂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰੀਡਰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਪਲਣਗੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਠਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੈਂ ਬਾਜਰੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤਰਾਇਆ ਮਿਕਸ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡ ਕੇਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਓ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਕਵੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜਰਾ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਆਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਬ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਜ਼ਖਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਆ ਡੇਲੀ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਾਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਡੀਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਬੈਟਨੀਸੋਲ ਡਰਾਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕੋਸਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਟਨੀਸੋਲ ਡਰਾਪ ਲਿੰਕੋਸਿਨ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਵਾ ਮੈਡੀਸਨ ਕੁਛ ਦੇਸੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾ ਦੂਸਰੀ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ ਆ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁਬਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ
गडोए अजीज बूटी वाली जी तुम मेरे चैनल दूसरे शाह कबूतर लिए कबूतर शौक से वेख सकते हैं उद्ते तो मैं तरीकाकार दसिया इस गोली बनाने का। एक गोली शाम को देई दी है नाल उन्हें दस सी दुध दे नीम गर्म यह सुबह के वास्ते नहीं शाम वास्ते रात को दे के डब्बे पा के तो उत्थे बंद कर दीदा जिते हवा ना लगे उन्होंने। उस बाद सुबह की रूटीन जी है वा एक मच्छी वाला कैप्सूल पांच जड़ियाँ सफेद मिर्च दखनी मिर्च इन कहें सफेद मिर्च तो एक लौंग दोस्तों ए तीन चीज़ा दोपहर के टाइम इन एक दिना लहसन की पोथी तो शाम के टाइम है गोली तो नाल दस सी दुध तकरीबन चार दिन हो गए पाँच दिन यही तो नुकसा हो रहा वा और ये ही ठीक होया वा ठीक हो गया दोस्तों तो यू दिने वेखो यदि अख बिल्कुल बंद है इस टाइम इन साफ करके कपड़े के नाल उतो तो फिर यदि अख के ड्राप होंगे पहले इन मेडिसिन दे दी। सब तो पहले दोस्तों लौंग दे के इस तरह छड़ दिता ये खड़ा है लो जनाब। उस तो बाद जनाब इन मच्छी वाला कैप्सूल फिश ऑयल इन कहें मेडिकल स्टोर तो मिल जाता इस तरह पकड़ पकड़ के तुसी इनू पोट च करी जानी चीज़ उस तो बाद जनाब पांच जड़ियाँ दखनी मिर्च काली मिर्च दूसरी सफेद मिर्च काली मिर्च भी दे दो ठीक है लेकिन मैं जी दे रहा इनू सफेद मिर्च दे रहा पांच मिर्चा देती अपने आप इन्हें टोर लैनी है। इस तो बाद जनाब इन जो पानी सादा पानी है दस सी सी ठीक हो गया हूँ इन जनाब यदि अख का रह गया अख यदि साफ करके चंगी तरह कपड़े वगैरह ना तो देखो जुड़ी हुई है इनू माड़ा इस तरह पट लाँगे ताकि बहुत ही ना हो गया बस करीन उतरने वाला ही जो एक उतरेगा इंशाल्लाह अख थलो बिल्कुल साफ हो जाएगी। दोस्तों माशाल्लाह यदि अख मैं साफ कर ली कपड़े के नाल तो अख दूसरी तो शो कर लो बहुत ही जबरदस्त नया परिंदा वै तो यह दोस्तों यदि अख दूसरी ये ड्राप जो पा दें इस तरह ठीक हो गया इस तरह एक तरह एक सुबह शाम इंशाल्लाह अख बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों बाकी तुम शो करवाना सारिया चीज़ों का दोस्तों इस जगह पर धुप है तो यही रूटीन है डेली की जितने धुप होंगी उन्होंने उत्थे रख दीता है देखो टोकरी में पाता तो उत्ते एक होर टोकरी दे देना ताकि निकले ना बिचों तो दूसरे नंबर पर बिल्ली वगैरह तो जो महफूज रहेगा। ठीक हो गया जनाब इस तरह यदा यही है हूँ दोपहर के टाइम इन एक लहसन की पोथी देंगे मुड़ के फिर जो शाम इन एक गोली तो नाल दस सी दुध तो दोस्तों यह दूसरे कबूतर भाई दे माशाल्लाह भी बहुत ही जबरदस्त कबूतर ने जिन्हें नीला डब्बा जोड़ा वा उस बाद सफेद चिट्टिया अखा का जोड़ा वा कालों का देखो बिच फिर रामपुरी जोड़ा वा ठीक हो गया एक लाल जोड़ा सुरख लाल इनू लाल जोड़ा ही कहें पता नहीं मैंने इन्होंने चीज़ों के बारे नहीं पता बहुत मैं वरायतियाँ कबूतरों के बारे पता वा यह जोड़ा मेरा फेवरेट जोड़ा ये एक आही है चिट्टी अख का बहुत जबरदस्त जोड़ा हड्डी जोड़ बिल्कुल बंद है मैं चेक किया दोस्तों आ देखो इन्हों का ना दाना पानी पिछे ही होंदा वा तो बच्चे माशाल्लाह बड़ी जल्दी पलते पे ने दो बच्चे दो दो बच्चे ने बड़ी जल्दी पलते और बहुत ही यानी कि तुम थोड़े दिखा देना क्योंकि अक्सर इस तरह हो जाती एक बच्चा छोटा रह जाता एक बड़ा रह जाता उस खुराक खुली मिलती रहे तो कभी भी इस तरह नहीं होंगी देखो देखो दो बच्चे बैठे ने दो ही जगह पर इस जगह पर जो सफेद जोड़ा वो आने देगा तो दोस्तों तुम कोकटेल तोते जोड़े उन्होंने शौक भी करा जी दोस्तों कमरे के क्योंकि गर्मी सर्द बर्दाश्त नहीं करते है बैठे ने जोड़ा है बैठा तो जोड़ा ही है बैठा थले ठीक हो गया पहले ये चारे कट्ठे रखे से लेकिन आंडे बच्चे नहीं कर रहे हूँ इन्हों लैदा लैदा रखे हुआ इस तो बाद जनाब तुम जरा सील मुर्गियों का शौक करवाना ऐसे पिंजरे के बच्चे मुर्गियां भी तो मुर्गे भी दूसरे नंबर पर चकोर भी है इन्होंने मैं दाना पा के थोड़ा बाहर कढ़ना इन्होंने तुम दिखा वैसे निकल दी पे
जी दोस्तों ब्रीडर के जड़ा से उन्होंने खा लिया वा दाना पानी, तो हूँ जेडे इधरला दूसरा खुडा वो खोलना, इन्हों बंद कर देने। है खोल दें जी दोस्तों, बच्चे तो जेडे पर पटाई वाले कबूतर निकल नहीं रहे क्योंकि नवी चीज़ है सामने, अगे दाना उन्होंने पराच पाई दा वा, तो अज जो नवी चीज़ पाया इस करके ना बाहर नहीं निकले। उन्होंने मैं कढ़दा खुद क्योंकि फिर बच्चे जो टांगी भी बनने हैं वो भी तुम दिखाता, टांगी जो पट्ठे पट्ठिया ने वो भी बन के फिर उन्होंने शाम को खोली दा वा। दोस्तों निकल आए ने, तो यह जरा जोड़ा लाने वास्ते आप भी एक खोल देने, दो तो पहला ही खोल दिते थे, तो इन्होंने फिर ढक देना वा, इस तो बाद फिर इन्हों इतें ही दाने तो बाद, तो एक दो कबूतर ने खाना शुरू करना दाना, तो सारे ने इतने शुरू हो जाना वा। जी दोस्तों माशाल्लाह ये भी खाने शुरू हो गए ने दाना, इस सारे ने जो रज जा खा के मुड़ के जो बच्चे आर टांगी से बन देंगे, टांगी एक वो खड़ी है तो दूसरी टांगी है वा, ये टांगी जी थले वाली है हाल वाली, ये बच्चे ने बनी दे दूसरे खोल खुले भाई दे थले हाल दे वा, तो यदि जगह है वा स्टैंड बने यहाँ, तो वो टांगी जी उत्ते बच्चे जो बन के उच्चे इस तरह टंग देंगे, फिर उन्होंने दोपहर में या शाम को फिर उन्होंने ला के दोबारा फिर दाना पानी पा के खुडे छड़ देंगे, इस तरह इन्होंने पाँच सात दिन करा मुड़ के लग जाएंगे। दोस्तों दाना पानी इन्होंने खा लिया वा, इन्हों बच्चे वायरस एक आई हुई है अखा खराब दी, खैर ठीक हो रहे हैं, तो बैटनीसोल ड्राप मैं पहला जो एक होर ड्राप इस्तेमाल किया नेक उन्होंने फर्क नहीं पाया, बैटनीसोल ड्राप के नाल लिंकोसिन कैप्सूल मिक्स करके दे पा रहे हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो दोस्तों एक वाडा पलिसा पट्ठा वा, तो बाकी जेडे बंद करी के चार बच्चे ने, तो दो इस टांगी तो बनाएंगे, तीन जेडे हाल के खुले पावे, दो जड़े वो बनते हैं। दोस्तों कल मैं इन्हों चो दो बनने से अज आह दो बनना, एक वड्डा पट्ठा बनने हैं तो एक बच्चा बनना है, यह दोस्तों पट्ठा वा जड़ा ना पल्ली साफ आ, पर पटाई की थी माशाल्लाह सारा हो गया, ए अख का शो करो, ए पल्ले वेखो इन्हें इन्हें आ गए ने, तो दोस्तों टांगी नहीं सी लगा हुआ तो इन्हों टांगी इस करके बन रहे हैं, तो दोस्तों यह उच्ची वाली टांगी है तो इस करके यदि दो दो डोरियाँ बनाएंगे, दो यानी कि दोनों दोनों यदि लत्तां पैर दोवां च पावांगे ताकि जे लमकणगे भी तो वह फिर नुकसान नहीं होएगा कोई भी। दूसरा बच्चा जेले थले हाल च बन भावे वो वैसे भा देंगे खुले, ठीक हो गया दोवें बन्ने गए इन्हों कर दें उच्चे, जी दोस्तों ए ढंग दोवें भाते हैं
ते जिहड़े दूसरे तीन बच्चे आ इस ढंग इहनू पहले इस तरह थले खड़ी कर दें तो बच्चे जिहड़े बहना शुरू हो गए उन्होंने मैं तुहानू बहा के भी विखाना जी। दोस्तों ढांगी जिहड़ी दूसरी वो हाल दे विच खड़ी करती है, है बच्चे मैं कल्ला कल्ला छड़ दां ते नाले वेखदे आ ढांगी ते पक्के हो गए कि नहीं जी। दोस्तों पहला बच्चा छड़दे आ देखदे आ जांदा कि नहीं ढांगी ते ऐ वेख माशाल्लाह ढांगी ते चला गया। हुण दूसरा जिहड़ा वो भी कढ के चैक करदे आ ऐ दूसरा भी चल गया ऐ तीसरा ऐ नहीं गया ढांगी ते ऐ उत्ते चल गया वा ते इहनू फड़ के दुबारा छड़ दे जी। दोस्तों दो बच्चे ते ढांगी ते बह गए सी, तीसरा बच्चा जिहड़ा नहीं बैठा इहनू मैं इधर दी घेर के ते बोणा इहनू ढांगी ते ही आ ढांगी पल्ली साइड ते नाल ही खड़ी कीती आ। ऐ वेखो ऐ ढांगी ते चल गया तीसरा ठीक हो गया। दोस्तों उम्मीद करता तुम अज्ज दी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर लाजमी करा करो, चैनल ते लाजमी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब लाजमी करो। बहुत शुक्रिया।